सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दिस बेल आइकन टू वॉच माई लेटेस्ट वीडियोस डेली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अनाया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? ऐसे लोग जिनका पेट बड़ा हुआ हो और किसी भी दवा से कम होने का नाम ना ले रहा हो, मेरे इस चैनल पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तकरीबन हर वीडियो में शिकवा करते हैं कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत वर्जिशें की, भाग भाग कर अपने जूते फाड़ दिए, पोंग घिसा दिए, लेकिन हमारा वजन कम नहीं होता। वो लोग मेरे इस नुस्खे के 3 चम्मच दिन में इस्तेमाल करें और कुछ अरसा लगातार करें तो इतना फायदा होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। इस नुस्खे का हर जरा गजा को जुज्वे बदन बनाकर हजम करेगा और आपकी तबीयत में दिन ब दिन निखार पैदा होता चला जाएगा और मोटापा कम होता जाएगा, जिस्म हल्का होता जाएगा और जो लटका हुआ पेट, लटकी हुई जिल्द और लटका हुआ जिस्म है, इसमें भी तब्दीली पैदा होगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल से सयाह होने वाली रंगत में भी सफेदी आएगी और एक तरह का निखार आएगा। लेकिन इस नुस्खे का फायदा सिर्फ उनको होगा जो चिकनाई वाली चीजें, चीनी वाली चीजें और मैदे वाली चीजों का परहेज जरूर करेगा। ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो बेचारे इस मर्ज में मुब्तला हैं। कमर का दर्द, जोड़ों का पुराना दर्द जिससे मरीज उठने बैठने से आजिज आ गया हो, इस मर्ज में भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बहुत ही फायदेमंद है। दिमागी कमजोरी, केरा, नजला, जुकाम, नजर की कमजोरी, छींके, नाक से पानी बहना, सर्दी गर्मी मौसम की तब्दीली से फ्लू, नजला, एलर्जी, इन सारी हालतों में इस नुस्खे का इस्तेमाल नहायत फायदेमंद साबित होगा। इस नुस्खे में हम 2 जंती चीजें इस्तेमाल करेंगे। एक कोलंजी, जिसके बारे में हदीस में दावा है कि मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज, और दूसरा शहद, जिसमें दुनिया में बेहतरीन दावत और जन्नत में जंतियों के लिए भी लाजवाब ज़ियाफ़त का सामान है। तो फ्रेंड्स, आपको जो कलंजी चाहिए वो 50 ग्राम, इसबगोल छिलका 50 ग्राम और शहद 100 ग्राम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कलंजी को अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर बना लें। अब इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है, तरीका गौर से देख लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप एक क्लीन बाउल ले लें। अब आप इसमें डालें 50 ग्राम कलौंजी, और 50 ग्राम छिलका इसबगोल। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने के लिए कम मिकदार में चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने उतनी ही मिकदार में लेनी है जितनी मैंने आपको बताई हैं। अब आप इसमें 100 ग्राम शहद डालकर अच्छे से मिला लें। आपका नुस्खा तैयार है। बच्चों को जरूर इस्तेमाल कराएं क्योंकि इनका दिमागी इस्तेमाल ज्यादा होता है, बद जायका भी नहीं है बल्कि मजे का है, बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। आधा चम्मच सुबह निहार हूँ इसका इस्तेमाल इन्हें तमाम दिन फ्रेश रखेगा और इनकी दिमागी सलाहियतों को जला और एतमाद बख्शेगा और इनका IQ लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा। एसाबी कमजोरी, सेहत व तंदुरुस्ती और एसाबी तनाव को खत्म करने, जिस्म को तरोताजा करने, तबीयत को फ्रेश करने के लिए इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, सेहतमंद मरीज, सबके लिए और हर मौसम में यकसा मुफीद है। फ्रेंड्स, ये नुस्खा गैस, तबखीर, मैदे की पुरानी से पुरानी तकलीफ, दायमी कब्ज और खाना खाने के बाद खट्टी डकारें, तेजाबियत, जलन, इन सब के लिए ये नुस्खा एक आबे हयात से कम नहीं। आप भी इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही लाजवाब फवाइद पाएंगे। सुबह निहार मुंह 1 चम्मच इस्तेमाल करें और इसी तरह हर खाने के बाद आधा चम्मच भी ले सकते हैं। बहुत ही कमाल का नुस्खा है, जंती चीजें इस्तेमाल करें और मोटापा और बहुत सी बीमारियों से जान छुड़ाएं। कोई भी दवा इस्तेमाल करें लेकिन इसके असर करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फायदा जरूर होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बड़े बूढ़ों को भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।